नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नए जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आई हूं, जो कि लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलाई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ LGBRIMH तेजपुर के द्वारा घोषित की गई है। मैं आपको बता दूँ, ये जो पोस्ट का नाम है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। मैं आपको साथ ही ये भी बता दूँ, ये जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। गाइस, आप जब यहाँ नीचे आओगे, आप यहाँ देख सकते हो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, और यहाँ पे इनको दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फॉर मेडिकल पोस्ट गाइस, यहाँ पे जिन लोगों के मेडिकल पोस्ट के लिए ये घोषणा की गई है वो ये है कि आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से या फिर किसी यूनिवर्सिटी से। साथ ही जो दूसरी पॉइंट है वो ये है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए आपके अपने कंसर्न स्पेशलिटी या फिर सुपर स्पेशलिटी। और जो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके पास रिकॉग्नाइज DNB क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा अवार्डेड होनी चाहिए। गाइस, यहाँ पे जो मैंने दूसरी यहाँ पे जो कैटेगरी थी जो मैंने आपको बता रखी थी वो है नॉन मेडिकल पोस्ट, और इनके लिए जो कैटेगरी है वो ये है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए साइकाइट्रिक नर्सिंग में, साथ ही आपके पास नर्सिंग होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस भी मेंशन है, और यहाँ पे जो एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपके पास एटलीस्ट 3 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए एज सीनियर रेसिडेंट डेमोन्स्ट्रेटर रजिस्ट्रार असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चर। साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो नॉन मेडिकल पोस्ट है वो ये है कि आपके पास 3 साल की टीचिंग या फिर क्लिनिकल या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस होनी चाहिए अपने कंसर्न सब्जेक्ट में आफ्टर PhD की डिग्री। गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे एड्रेस भी अब मेंशन की गई है, और जो एड्रेस है वो है द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर LGBRIMH तेजपुर, जो कि असम की है। ये जो पिन है 784001। गाइस, आपको दिए गए इस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है, या और आपको वो स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड कुरियर के द्वारा आपको एप्लीकेशन इस असम तेजपुर के दिए गए इस एड्रेस पे सेंड करनी है। गाइस, आप जब यहाँ नीचे आओगे, आप अटैचमेंट सेक्शन में एक अटैचमेंट देखते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कैंडिडेट्स या फिर अपने एप्लीकेंट्स के लिए ड्राफ्ट करती है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी, वैकेंसी कितनी है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशनड होती है। तो गाइज, अगर आपको ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इसे यहाँ से डाउनलोड करोगे तो आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। आप देख सकते हो जो हमारी सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर साइकाइट्री, इसमें टोटल 10 पोस्ट रिलीज हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री न्यूरोकेमिस्ट्री, उसमें 1, असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी इसमें 1, और असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी में 1। गाइस, तो टोटल यहाँ पे 13 पोस्ट की घोषणा की गई है। साथ ही यहाँ पे जो एज लिमिट है वो है 18 to 45 ईयर्स तक की। आप देख सकते हो हमारी जो 4 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके लिए 45 यहाँ पे मेंशन की गई है एज लिमिट। और जब आप यहाँ पे नीचे आओगे तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक और पोस्ट की घोषणा है, जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर साइकाइट्रिक नर्सिंग। इनके लिए भी 2 पोस्ट है, और इनके लिए भी एज लिमिट 18 to 45 ईयर्स तक की है। सो गाइज, टोटल 15 पोस्ट की घोषणा की गई है, 13 आगे के वैकेंसीज में, और जो नॉन मेडिकल पोस्ट में जो घोषणा की गई है उसमें टोटल 2 वैकेंसी है। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस बता रखा है, साथ ही आप यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लो, क्योंकि इसमें सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस मेंशनड होती है जो आपको एज एन एप्लीकेंट आपको जानना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए MCI या फिर NMC के द्वारा। ये सारी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप यूजुअली भूल जाते हो, तो आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर देखें। और जो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस है वो है 15 फरवरी 2022 से लेके जो लास्ट डेट है वो है 4 मार्च 2022। गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 मार्च 2022 को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तो आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर याद रखें। और साथ ही जब आप यहाँ पे नीचे आते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक एप्लीकेशन की फॉर्मेट भी यहाँ पे अटैच की गई है, और यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटोग्राफ लगानी है। साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन करनी है।
गाइज मैंने आपको बता रखा है ये प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफलाइन है, तो आपको जो ऊपर मैंने आपको एड्रेस बताया था वहाँ आपको इन पूरे फॉर्म को फिल करके सबमिट करना है और पोस्ट करनी है। गाइज आई होप आपको सारे सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट्स है या कन्फ्यूजन है तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब इस फोरम बटन को क्लिक करोगे तो आप हमारी कम्युनिटी फोरम पे आ जाओगे। इस कम्युनिटी फोरम पे यहाँ एक राइट अ रिप्लाई का सेक्शन है। इस राइट अ रिप्लाई के सेक्शन में जब आप अपनी क्वेरीज या अपने डाउट्स कुछ भी यहाँ पे लिखते हो तो वो हम तक आता है और हम उनको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। गाइज मैं आपको गारंटीड ऑन टाइम की रिप्लाई करती हूँ। साथ ही आपके हेल्प के लिए मैं ये कम्युनिटी फोरम की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, सो दैट अगर आपको वीडियो देखते वक्त भी कुछ इशू आती है आप एक टैप करके अपने सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ से क्लियर कर सकते हो, सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो गाइज आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।